ईरानी पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ ने जनवरी में कत्ल किए गए ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी के कत्ल का अमरीका से बदला लेने का ऐलान कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक मेजर जनरल हुसैन सलामी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि हम यकीनी तौर पर अपने अजीम जनरल के कत्ल का बदला लेंगे, हम संजीदा हैं और ऐसा हकीकत में होगा। उनका कहना था कि हम उन तमाम लोगों को निशाना बनाएंगे जो हमारे अजीम शख्स की शहादत में वास्ता या बिला वास्ता मुलविस थे। ताहम उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि चाहे कुछ भी हो, जो जो लोग मुलविस हैं उन्हें निशाना बनाया जाएगा। पासदारा ने इनकलाब के कमांडर का बयान एक ऐसे मौके पर सामने आया है जब अमरीकी खबर इदारे ने मालूम जराए का हवाला देते हुए कहा था कि ईरान कासिम सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए जनूबी अफ्रीका में अमरीकी सफीर लाना मार्क्स के कत्ल की मंसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी खबर के जवाब में पासदारा ने इनकलाब के सरबरा ने कहा कि लाना मार्क्स को निशाना बनाना इसलिए भी मुमकिन नहीं कि ये सुलेमानी के कत्ल का बदला लेने के लिए हदफ नहीं। क्या आप समझते हैं हम अपने शहीद भाई के कत्ल का बदला लेने के लिए एक खातून सफीर को निशाना बनाएंगे?